गाइस ये पार्सल फर्स्ट थिंग, ये बिल्कुल जो वाइल्ड क्राफ्ट का जो मैंने बैग देखा था ना, बिल्कुल सेम एज इट इज़, उसी की तरह है। बैंड्स दिए हैं ना, ये वाइल्ड क्राफ्ट वाले बैग में भी नहीं आते। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं कुछ आपको खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो स्पेशली एक ट्रैवलर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था एक रक्षक बैग खरीदने के लिए। बेसिकली ये बैग होता है कि आप अपने सोल्जर्स पे इसको टांग के अटाई करके आप ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हैं उसमें, एंड जहाँ भी आप जाना चाहें तो वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। ये बैग स्पेशली सोलो ट्रैवल करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सो मैं भी काफ़ी दिनों से एक बैग खरीदने का सोच रहा था ऐसा ही कोई, तो मैं यूजुअली सारे सामान ऑनलाइन ख़रीदता हूँ। एंड इसको भी मैंने सिंपली अमेजोन पर सर्च किया कि भाई रक्षक बैग कौन सा अच्छा है। ऑल दो उसमें जो जेनरिक कंपनीज के रहते हैं स्टार्टिंग में वही आते हैं, बट काफ़ी रिसर्च करने के बाद तब मुझे ट्राइपॉल का बैग मिला जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली है। एंड इसको ख़रीदने के दो एडवांटेज हैं। फर्स्टली मुझे वाइल्ड क्राफ्ट का बैग पसंद आया था, 65 लीटर उसका मॉडल नेम था, आई थिंक एल्पेनिस्ट था जो भी था, वो अराउंड 7000 रुपये का बैग था वाइल्ड क्राफ्ट का 65 लीटर का। लेकिन वो 7000 रुपये मुझे इन्वेस्ट करने सही नहीं लगे, क्योंकि मैं ओकेजनली ट्रैवल कर रहा हूँ भाई। 365 डेज में मेरे को डेली ट्रैवल नहीं करना है, मैं ओकेजनली कभी कभी ट्रैवल करूँगा, तो मुझे वर्थ नहीं लगा कि मैं 7000 रुपीज़ उस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ। ऑल दो बैग काफ़ी अच्छा है वो, बट 7000 रुपये लाइक वर्थ नहीं करता है वो बैग। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये वाला बैग ढूंढ के निकाला है, क्योंकि यूजुअली अमेजोन पर ये अवेलेबल है, बट आप सर्च करते हैं ना तो ये बैग आता नहीं है। पता नहीं उसकी एल्गोरिदम में क्या प्रॉब्लम है, बट ये जब आप सर्च करोगे ना ये बैग नहीं आता है। आपको स्पेशली इसका नाम डालना पड़ेगा, जो कि यूजुअली लोगों को नहीं पता रहता है। जैसे लेमन की तरह मैंने बस रक्षक बैग डाल दिया था, सारे लोग ऐसे ही सर्च करते हैं। तो जो भी है ये बैग काफ़ी अच्छा है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, एंड ये क्यों लेना चाहिए थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको बताऊँगा इसके रीज़न कि ये बेटर ऑप्शन क्यों। गाइस ये पार्सल, और यूजुअली मैं जो है अनबॉक्सिंग पूरा ऊपर से सेटअप जमा के दिखाता था, जिसमें ज़्यादा कुछ मैं बोलता नहीं था, बट ये वीडियो रिव्यू वीडियो भी होगी और अनबॉक्सिंग भी, तो उसमें मैं यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ इस बॉक्स को। मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, देन उसके बाद मिलते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये है गाइस बैग, फर्स्ट थिंग ये बिल्कुल जो वाइल्ड क्राफ्ट का जो मैंने बैग देखा था ना, बिल्कुल सेम एज इट इज़, उसी की तरह है। मे बी इसे फर्स्ट कॉपी कह सकते हैं उसकी, बस उसका ब्रांड नेम नहीं डला है, बट बिल्कुल सेम है, डिक्टो है बिल्कुल। हाँ क्वालिटी ऑब्वियसली यार वो 7000 रुपये का है तो उसकी बेटर क्वालिटी है, बट ये भी कोई बेकार क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल सेम पॉकेट्स हैं, जो मेरे को मेन चीज़ जो मैटर करती थी ये कुशनिंग, क्योंकि जब आप इतना हैवी लोड अपने बैक पे रखते हैं ना तो बैक में पेन नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुशनिंग जो है ना वाइल्ड क्राफ्ट में भी काफ़ी अच्छी थी एंड इसमें भी काफ़ी अच्छी है। इससे और गए गुजरे मॉडल भी थे बैक के, बट उनमें कुशनिंग अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं खरीदा, इसलिए मेरे को ये पहला रीज़न ही हो गया। तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया, ये इसलिए मुझे बेस्ट डील लगी, क्योंकि इसमें कुशनिंग वुशनिंग वगैरह भी ठीक ठाक थी। वाइल्ड क्राफ्ट से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, बट स्टिल जितने पैसे मैं पे कर रहा हूँ उतने में बहुत अच्छी क्वालिटी मिली है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक पॉकेट यहाँ पे, यार बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। सो एक पॉकेट यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद ये जो दो क्लिप्स हैं आप इनको लूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप अपना कैंप लगा सकते हैं, रख सकते हैं, टाई कर सकते हैं, या फिर योगा मैट, दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ये ऊपर में सिर्फ एक ही पॉकेट है और ये हैंगर है, ठीक है। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये क्लिप आप खोलेंगे और ये वाले आप क्लिप खोलेंगे, तो ये जो आपका मेन कंपार्टमेंट है ना ये ओपन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा लूज़ कर लेता हूँ क्योंकि बैग आया है तो बहुत टाइट है। काफ़ी बड़ा हो जाता है ये भी पैक, इसलिए छोटा लग रहा होगा आपको ये। सो मैं ये बता रहा था ऊपर का आप ये कंपार्टमेंट खोलेंगे, तो इसे लूज़ करो तो ये आपका जो मेन कंपार्टमेंट है ना ये ओपन हो जाता है। यहाँ से आप सारा को सामान रख सकते हैं अपना, जो जो मेन लगेज होता है ना, कपड़े क्लोथिंग वगैरह और जो भी आप सामान रखना चाहें।
इसमें एक स्पेशली लैपटॉप के लिए कंपार्टमेंट दिया है और ये रॉड लगी है इसमें, एलुमिनियम की है या किसी मेटल की है पता नहीं, हम उस पर होंगी एलुमिनियम की होना चाहिए। सो ये स्ट्रेट रखता है बैग को, पूरा लूज़ नहीं होने देता। इसमें लैपटॉप रख सकते हैं आप, ऑल दो ये काफ़ी अच्छा मटेरियल नहीं है, बहुत ही पतला है बट स्टिल ठीक ठाक है, क्योंकि आपका लैपटॉप का भी बैग रहता ही है तो ज़बरदस्ती दो दो तीन तीन चीज़ रखने से कोई मतलब नहीं है, वेट ही ज़्यादा बढ़ेगा। सो अब मेन कंपार्टमेंट ये है और मैं भी भाई चेक ही कर रहा हूँ, मैंने कोई ठीक से खोल के पहले देखा नहीं था क्योंकि ये ऑनलाइन ही अवेलेबल रहता है, मैंने तो शॉप में पता किया था भाई ट्राइपॉल कंपनी का, कहीं नहीं मिला। उसके अलावा एक ये कंपार्टमेंट ऊपर रहता है, ठीक है, ये वाला कंपार्टमेंट, एंड इसमें ये क्लिप दी है की रखने के लिए, जो भी आप अपने हिसाब से रख लेना। दो कंपार्टमेंट इसके बाजू में, ठीक है, एक ये वाला है और सेम कंपार्टमेंट अदर साइड भी है ये, तो आप इनमें आप सामान रखेंगे ना तो ये फूल जाएंगे। अभी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे कि ये कंपार्टमेंट है बगल में, या इसमें सामान नहीं रखोगे तो किसी को समझ भी नहीं आएंगे कि बगल में कंपार्टमेंट है, बट जैसे जैसे आप सामान रखते जाओगे ना तो फूलता जाएगा बैग जो है। और ये नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है इसमें भी दो क्लिप लगी हुई, इनको मैंने खोला है अभी, एंड इसमें आप जो है ना अपने शूज़ रख सकते हैं। ये नीचे से जो चैन दी हुई है ना, इससे आप खोलेंगे तो इसमें आप शूज़ रख सकते हैं, ये वाला जो कंपार्टमेंट है, या फिर आप अपना स्लीपिंग बैग रख सकते हैं या जो भी रखना चाहें, मोस्टली लोग शूज़ रखते हैं या स्लीपिंग बैग रखते हैं। और इसके अलावा आप इससे आप सेपरेट भी कर सकते हैं इस बैग को, और अगर इसको और ओपन कर देंगे आप यहाँ पे जो एक इससे आप खोल सकते हैं, तो ये जो पूरा बैग जो है ना एक ही कंपार्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी दो कंपार्टमेंट है यहाँ से, मतलब सेपरेट है ये इतना अलग है और नीचे वाला शूज़ वाला अलग है, बट आप इसको खोल देंगे तो दोनों में एक दोनों कंपार्टमेंट एक ही बन जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम इसे करते हैं क्लोज, यार ऑनेस्टली बोलूँ ना तो अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि ये काफ़ी जस्टिफाई कर रहा है प्राइस को, क्योंकि मैं वाइल्ड क्राफ्ट के स्टोर गया था मैं और मैंने वो बैग देखा तो मुझे ऐसा सच कोई 7000 लाइक वर्थ नहीं लगा था। ऑल्दो उसका जो मेरे को जो पसंद आया था वो दूसरा मॉडल था, मैं इसमें लिख दूंगा, बट मैं शॉप में गया था वो उससे अपग्रेडेड मॉडल था, प्रो वर्जन था कोई से 65 लीटर का। जब प्रो वाला पसंद नहीं आया मुझे, प्रो था या प्लस ऐसा कुछ नाम था, वो पसंद नहीं आया मुझे, तो भाई उससे ओल्डर वर्जन तो मैंने देखा भी नहीं, बस ऑनलाइन देखा था, रिव्यूज़ पढ़े थे, वीडियोज़ देखी थी, सो उसमें ही पसंद आया था मुझे, तो क्या ही पसंद आएगा यार जब उसका अपग्रेडेड वर्जन पसंद नहीं आ रहा है। तो काफ़ी जस्टिफाई कर रहा है ये प्राइस। और पीछे इसमें दो पॉकेट्स और हैं, दो नहीं एक ही है, इस साइड है बस, जो वाइल्ड क्राफ्ट वाला था उसमें दोनों साइड थे, यहाँ पर भी एक पॉकेट था यहाँ पर भी, तो आप रख सकते हैं अपना छोटा GoPro कैमरा रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं या पैसे रख सकते हैं जो भी। अब मैंने ऐसा सच कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं थी ये, जब अपना फर्स्ट इम्प्रेशन एंड नॉर्मल रिव्यू एंड जो भी मुझे रीजंस लगे मैंने इसमें कोट कर दिए थे वीडियो में, सो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड क्राफ्ट के बैग, तो बहुत अच्छा लगा ये बैग, एंड यूज़ करते हैं इसे। और फोटोज़ में जो मुझे दिख रहा था कि मे बी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट क्वालिटी भी ठीक ठाक दिख रही है। यहाँ आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, योगा मैट या फिर कैंप को अपना जो टेंट है उसको टाई करने का। एक चीज़ जो मैं भूल गया था बता रहा था कि यहाँ जब आप ओपन करेंगे ना इसे, तो ये जो आपका रेन कवर है ना ये बाहर निकल जाएगा, और आप इसको आप इससे अटैच भी कर सकते हैं और रिमूवेबल है, वाइल्ड क्राफ्ट में रिमूवेबल नहीं है, उसमें अटैच ही आता है, तो अगर किसी दूसरे बैग में यूज़ करना है उसमें भी कर सकते हैं आप। तो इसको आप ऐसे लगा दो तो पूरा वाटरप्रूफ बन जाता है मतलब, और इसमें ट्राईपॉल भी लगा है तो ऐसा नहीं लगेगा कि नॉर्मल कोई पॉलीथीन है। सो मेरा काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन रहा इसको देखने के बाद, मैं रिकमेंड करूँगा आपको भाई कि 7000 रुपये आप इन्वेस्ट नहीं करो, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आप ट्रैवल करने वाले, मुझे तो अभी नहीं पता है कि भाई मैं इस बैग को कितना यूज़ करूँगा, बट ये एटलीस्ट मल्टीपर्पज़ बैग है कि मैं अगर कहीं बाइक से कहीं जा रहा हूँ तो इसमें सामान रख के पीछे मैं उसको बांध सकता हूँ कैरियर पे,
और अगर बिना बाइक के जा रहा हूँ, नॉर्मल बाय ट्रेन या बाय बस ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ट्रॉली बैग नहीं ले जाता है कोई भी। सो ये बैग काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और ज़्यादा लगेज आप कैरी नहीं कर सकते हो ना ट्रैवलिंग के टाइम पे। सो मुझे ये बैग, इस तरह के बैग में ये बैग परफेक्ट लगा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड होपफुली आपको मेरा रिव्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही लगा होगा। मैं रिकमेंड करता हूँ इस बैग को एंड ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं थी ऑब्वियसली, ये जनरली मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज। उसके अलावा एक चीज़ और मैं भूल गया क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया स्क्रिप्टेड नहीं थी वीडियो, अगर स्क्रिप्ट करता था पॉइंट टू पॉइंट बताता सारी चीज़ें नोट करके। इसमें ये जो क्या बोलेंगे मैं, ये जो बैंड्स दिए हैं ना, ये वाइल्ड क्राफ्ट वाले बैग में भी नहीं आते हैं। तो इनसे क्या होता है ना, जब आप इसको लूज़ करते हैं या फिर टाइट करते हैं, उसके बाद आप इसको ऐसे निकाल लो, टाइट कर लो, देन उसके बाद इसमें आप वापस से फंसा दो। सो आपको ये लटकते हुए नहीं देखते हैं, ये ऐसे फंसा दिया आपने तो ये टाइट हो गया, ये लटकते हुए नहीं देखते हैं। ये बेल्ट जो है वाइल्ड क्राफ्ट के बैग में, ये लटकते हुए तो फंसते हंसते नहीं है ये कहीं, या अपने बाइक पे अपने बैग को बांधा है, क्योंकि मैंने ये दोनों पर्पज़ के लिए लिया है। सो ये बाइक में फंसेंगे ऐसेंगे भी नहीं। दैट्स इट।